जय हिंद दोस्तों। हम अपनी सक्सेस नहीं पा पाते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारे लाइफ पर कितना बड़ा इफेक्ट डालती है। मैं आपको आज एक हाथी और रस्सी की कहानी बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान हो गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोचा था कि हाथियों का अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांधकर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय उन्होंने रस्सी तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी तोड़ नहीं पाए। इनके सामर्थ्य के बाहर था, वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में रह गया। दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार इसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यक है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि नेगेटिव जो थॉट होते हैं हमारे, उससे हमारे लाइफ पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।